मारपीट की रिपोर्ट करने आए फरियादी को चाक घाट थाना प्रभारी ने धमका दिया, जिसमें थाना प्रभारी ने नेता की ऐसी की तैसी सहित फरियादी को जूता मारने सहित अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। इसके बाद पीड़ित ने SDOB से शिकायत भी कर दी है। दरअसल चाकघाट थाना प्रभारी आए दिन किसी न किसी कारणवश सुर्खियों में रहती हैं। ताजा मामला थाना क्षेत्र के परड़ी गांव का है, जहां चाचा और भतीजे के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद भतीजा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचा, लेकिन 2 दिनों तक उसकी रिपोर्ट नहीं लगी। वह पुलिस थाने के चक्कर लगाता रहा और इसके बाद 3रे दिन खुद थाना प्रभारी उषा सिंह सोमवंशी ने फरियादी को फोन लगाकर धमका दिया और उसे जूते मारने की धमकी भी दे डाली। इसके बाद पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद पूरी घटना का ऑडियो वायरल हो गया। वहीं पूरे मामले में फरियादी ने त्योंथर SDOP कार्यालय पहुंचकर थाना प्रभारी के प्रति आवेदन दिया है। साथ ही पीड़ित ने कहा है कि थाना प्रभारी के द्वारा जूते मारने वाले शब्दों से वे आहत हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से थाना प्रभारी पर कार्यवाही उसने मांग की है। तेरे नेताओं की ऐसी की तैसी, सुन ले तू अब अच्छे से, रिकॉर्ड भी कर ले, है ना, मेरे ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ता ना राजनीतिक दवा का, फालतू बकवास ना कर। तेरे बाप ने तुझे एक जूता मारा होगा, तू आएगा मेरे सामने 2 जूते मैं मारूंगी तुझे। दरअसल ये 3 दिन पहले का मारपीट का एक मामला है, परिवारिक ही मेरे चाचा द्वारा मारपीट गई थी। तो मैं जिसकी कंप्लेन करने थाने पहुंचा हुआ था, रात में तकरीबन 11 बजे की बात है, तो वहां पे मेरी कंप्लेन लिखी नहीं गई। कुछ कांस्टेबल्स वहां जो उपस्थित थे उनके द्वारा नॉर्मल NCR करा के और मेरा आधा अधूरा मेडिकल कराया गया, वो भी पूर्ण नहीं किया गया। उसके बाद मैं 2रे दिन पुनः कंप्लेन करने के लिए सुबह जब पहुंचा तो TI मैडम से 2 मिनट के लिए मुलाकात हुई। TI मैडम ने अपने कांस्टेबल को बोला कि आप कंप्लेन लिखो, लेकिन उसने कंप्लेन नहीं लिखी और मैडम ने भी सिर्फ मुझे सुनाने के लिए बोला, क्योंकि एक TI की बात तो कांस्टेबल न माने ऐसा हो नहीं सकता है, सबसे ऊपर का अधिकारी होता है थाने का। फिर 3रे दिन मैं वहां कोई आधा घंटा 1 घंटे खड़ा रहा, कोई ध्यान नहीं दिया गया। 3रे दिन फिर कंप्लेन करने अपने बीवी बच्चों के साथ गया हुआ था मैं, तभी मैडम नहीं मुझे नहीं मिली, वाहन बाहर था। और कुछ देर बाद शाम के वक्त मुझे फोन आया, जिसमें मैंने फिर दरख्वास्त करी कि मैडम मेरी FIR लिखी जाए, तो मुझे अभद्र तरीके से गाली दी, जूता मारने की बात कही कि तुझे थाने आएगा तो जूते से मारूंगी और तू मर भी जाएगा तो तेरी कंप्लेन नहीं लिखूंगी। साथ में नेताओं को भी और साथ में जो राजनीतिक पार्टी, जबकि मैंने किसी नेता का ना कोई नाम लिया ना ये बोला नेता, पूरी बात की रिकॉर्डिंग भी निकाली जा सकती है तो पुलिस प्रशासन के पास राइट भी है, तो ये भी बोला कि मुझे किसी नेता से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, यही प्योर शब्द थे। और तेरे नेताओं की ऐसी की तैसी, जो बिल्कुल मैं चाहता हूं वरिष्ठ अधिकारियों से कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर इस पे उचित कार्रवाई की जाए। ये आप लोग के मीडिया जगत के माध्यम से जानकारी मिली और उस मामले में जो फरियादी है वो अभी मेरे कार्यालय भी आया था, उसने अपनी व्यथा बताई है। कुछ पारिवारिक विवाद को लेकर के, उनके पारिवारिक इश्यूज को लेकर के उनमें वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। और जो ऑडियो की आप बात कर रहे हैं तो इस मामले को देखा जाएगा, इसकी तस्दीक की जाएगी कि उस मामले में किसकी बातचीत चल रही है और क्या हो रहा है, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।